देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि रमज़ान के महीने में ही नहीं बल्कि रूटीन वाइज जो है यहाँ पर हमेशा जो है वो चेकिंग होती रही है। जहाँ तक तहसील इंतज़ामिया की तरफ से या TSO सोलन कोट की तरफ से या सेंट्री इंस्पेक्टर की तरफ से कई बार रमज़ान में चेकिंग हुई है, लेकिन दो दिन पहले एक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें लोगों ने ये सवालिया निशान उठाया था कि मार्केट के अंदर जो है डिफरेंट रेट्स हैं और बाजार में जो है वो रेट लिस्ट जो है वो इशू नहीं की गई है। आज मार्केट की पूरी चेकिंग जो है मजिस्ट्रेट सोलन कोट, SDM साहिबा, DSP साहिबा, तहसीलदार सोलन कोट और SDP और जितने भी लोग थे TSO सोलन कोट पूरी टीम ने आज जो है मार्केट में चेकिंग की। हर दुकान के ऊपर जो है वो रेट लिस्ट जो है चिपकाई हुई थी, लेकिन जहाँ तक मटन और चिकन के रेट का मसला था वो भोपाल मटन नहीं देता है, फिर भी जो है 420 रुपये हमने जो है मटन का रेट जो है डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया ने जो फिक्स किया था आज वही हमने इम्प्लीमेंट जो है मार्केट के अंदर करवाया है। 420 रुपये एक मटन का रेट है और 140 और 150 जो है वो चिकन का रेट जो है हमने ऑलरेडी जो है वो फिक्स किया हुआ था। मैं आवाम से भी ये गुजारिश करूँगा कि अगर इन रेट्स के ऊपर कोई आदमी बेचता है तो आप उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करें। मैं अपने तमाम दुकानदार भाइयों से ये गुजारिश करूँगा कि जो व्यापार मंडल की तरफ से, इंतजामिया की तरफ से और DC साहब की तरफ से जो रेट दिया गया है आप उसी रेट्स के ऊपर अपना सामान बेचें। किसी किस्म की कोई भी जो है वो चोरी नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक लोगों के ऑब्जेक्शन की बात है, ठीक है लोग ऑब्जेक्शन करते रहे उनका हक है, लेकिन मैं लोगों से भी यह गुजारिश करूँगा अगर किसी जगह भी आपको सामान जो है एक दुकानदार महंगा देता है आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कीजिए। हम कभी भी उस दुकानदार की सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन जहाँ तक हक की बात है रेट लिस्ट हर दुकानदार को हर महीने की 10 तारीख को जो है वो दी जाती है व्यापार मंडल सोलन कोट की तरफ से। मैं इंतजामिया का भी शुक्रिया करता हूँ कि जिन्होंने बार बार इस रमज़ान के महीने के अंदर आके मार्केट चेकिंग की और लोगों को जो है सही समय पे सामान देने का जो है उन्होंने कहा, और व्यापार मंडल के लोगों ने भी हमेशा जो है एडमिनिस्ट्रेशन की जो है वो सपोर्ट की। देखिए, जहाँ तक कई जामिंग का लोग बात कर रहे थे कि सोलन कोट के अंदर जामी रहती है, मैं कहता हूँ कि इसका सबसे बड़ा अगर कोई कसूरवार है जामिंग का तो हम लोग खुद हैं। 7 पार्किंगें हमारे सोलन कोट के अंदर है, 15 लाख की गाड़ी लोगों के पास होती है लेकिन वो रोड के बीच गाड़ी लगा के चले जाते हैं जिससे जामिंग होती है। पुलिस अपना भरपूर रोल अदा कर रही है। मैं कहूँगा कि जितने भी SPO रात यहाँ पर टोल में लगे हैं वो बेचारे दिन भर दौड़ते रहते हैं। DSP सोलन कोट हमेशा दौड़ता है, SHO साहब दौड़ते रहते हैं, लेकिन जहाँ तक मैं लोगों को अवेयर करने की बात करूँगा, मैं लोगों से गुजारिश करूँगा बगैर मतलब के बाजार में गाड़ी मत खड़ी करें। अगर आपने कोई सामान परचेज करना है तो अपनी गाड़ी को पार्किंग में खड़ा करके सामान परचेज करें ताकि किसी किस्म की जामिंग जो है वो सोलन कोट बाजार के अंदर ना हो। और मैं एक और गुजारिश करूँगा प्लीज सोलन कोट से कि जो गाड़ियाँ यहाँ पर चलती हैं वो रूटीन में चलें, लेकिन जो बगैर टाइमिंग के जो है बस अड्डा पर खड़ी की जाती है 3-3, 4-4 दिन।